स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषधि, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दूधी भोपड़ा। ये जो दूधी भोपड़ा है ये अद्भुत, इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है, तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका रस पिए दूधी भोपड़े का तो आपके शरीर की 15 बीमारियों को अकेला दूधी भोपड़े का रस ठीक कर देगा। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आए। हृदय घात, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जिनको भी हुए या हुआ है या होने की शक्यता है, उन सब की सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा, दूधी भोपड़े का रस। क्या करना है, दूधी भोपड़े को काटना छोटा छोटा पीस, फिर चटनी बनाना, फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस निकाल, नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रस निकाल सकते। अब ये जो दूधी भोपड़े का रस है इसमें थोड़ा कोथमीर का रस मिला, 1 गिलास दूधी भोपड़े के रस में 1/2 चम्मच कोथमीर का रस, फिर इसी में 1/2 चम्मच पुदीने का रस मिला पुदीना, फिर इसमें 1/2 चम्मच आल का रस मिला अदरक, थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं 1/2 चम्मच, और ये सब मिला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पीना। तो इससे क्या क्या ठीक होने वाला है, हृदय घात कितना भी खराब स्थिति का हो 3 महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया उसको जिंदगी में दोबारा हृदय घात कभी नहीं, और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो, कल करा लो, नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आए, कभी भी नहीं आए। तो हृदय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस। कभी कभी डॉक्टर आपको यह कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई, 2 आर्टरीज, फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70% ब्लॉक हो गई, तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाए, वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो नहीं तो कभी भी मर जाओगे। तो डॉक्टर को कहना है कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है, आपको नमस्ते, आपने हमको सुझाव दिया, धन्यवाद, घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने की गरज ही नहीं पड़ेगी।